दोस्तों, मेरा नाम है शांति देव। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ नोटबंदी के ऊपर। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब वीडियोस देखे और न्यूज़ देखे, तो मैंने देखा कि नोटबंदी के ऊपर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। तो मैं जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए ही है। मुझे कुछ सवाल समझ में आए उन लोगों का। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने नोट बंद क्यों किया, या फिर देश की सिर्फ गरीब लोग ही क्यों लाइनों में खड़े हैं, अमीर लोग, अंबानी अडानी जैसे लोग, या फिर बड़े लोग जो कि ब्लैक मनीज रखते हैं, वो क्यों नहीं खड़े हैं बैंक के सामने, या फिर मोदी जी ने, भारत सरकार ने 2000 की नोट निकाली, क्या 2000 की नोट निकालने से काला धन खत्म हो जाएगा? तो उन लोगों के लिए कुछ बातें मेरे पास है, मैं बताना चाहता हूँ, तो सुनना आप। देखिए, जहाँ तक बात रही मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, तो पहला सवाल लोगों का यह था कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, वो तो लाइन में खड़े नहीं रहते, सिर्फ गरीब लोग, और वो लोग जो गरीब है, गरीब समाज है, वही लाइन में खड़े हो रहे हैं, वही कष्ट उठा रहे हैं। तो मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, देश की गरीब जनता जो बैंक्स और एटीएम्स के लाइन में खड़े आप देख रहे हैं, या फिर आप जो जनता को देख रहे हैं जो लाइन में खड़े हैं, वो इस देश की ईमानदार जनता है। वो भारत सरकार की इस बात को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए वो बैंक्स के सामने खड़े हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो वो आज बैंक और एटीएम्स के सामने नहीं, वो पार्लियामेंट के सामने खड़े होते और इस बात की विरोध कर रहे होते। मैं खुद बैंक के सामने खड़ा रहा हूँ, कष्ट उठाया है मैंने भी, पर इस देश को अगर आप एक सेफ देश बनाना चाहते हैं, अगर इस देश के फ्यूचर को आप सेफ बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कष्ट, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। जो बात है कि ईमानदार लोग, गरीब लोग लाइन में खड़े हैं, और धनी और बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं खड़े हैं, तो जो ब्लैक मनीस रखते हैं वो बैंक के सामने खड़े नहीं होते। हर रोज़ आप जो न्यूज़ देखते हो ना कि जमुना में पैसे बह रहा है, 500 और 1000 के नोट गंगा में बह रहे हैं, जला रहे लोग नोटों को, तो ये वही नोट है जो ब्लैक मनी है उन लोगों की। वो बैंक में नहीं जाते, वो जला रहे, उनको तकलीफ हो रही है ज़्यादा, और शायद इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। देखिए, सबको तकलीफ हो रही है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो ब्लैक मनी रखते हैं, उनको बड़ी बड़ी तकलीफें हो रही है, और जो लोग छोटे गरीब लोग हैं उन्हें छोटी छोटी तकलीफें हो रही है। इस देश की जो कतारें आप देखते हो ना, ये बैंक के सामने और एटीएम्स के सामने जो कतारें लगा हुआ है ना, वो देश का ईमानदार जनता है। देश के 90 से 95 जनता आज ईमानदार है और देश को बेहतर भविष्य देने के लिए खड़े हैं लाइन में। जो लोगों का दूसरा सवाल है वो था कि मोदी जी ने नोटबंदी क्यों किया। तो आप लोगों ने शायद विमुद्रीकरण के बारे में सुना होगा। विमुद्रीकरण के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, विमुद्रीकरण के बारे में। ये आज का नहीं है, कुटिल चाणक्य की ज़माने से चला आ रहा है प्रथा ये विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में कहा गया है, जब किसी राज्य में या फिर देश में काला धन बढ़ जाता है, तो विमुद्रीकरण के तहत आप उस मुद्रे को ख़त्म कर दीजिए और नया मुद्रा जो है वो लॉन्च कीजिए। इससे काला धन ख़त्म हो जाएगा, इससे जो है जो काला धन रखने वाले लोग हैं वो अपने ब्लैक मनी को वाइट में नहीं ट्रांजेक्ट कर सकेंगे। ये अर्थशास्त्र की विमुद्रीकरण प्रक्रिया में लिखा हुआ है। इस विमुद्रीकरण के तहत अब भारत सरकार ने क्या किया है कि 1000 और 500 की नोट को इंडियन करेंसी नहीं रखा, जिससे क्या हुआ, जिससे जो ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं वो परेशान हो गए,
क्योंकि वो अपनी अपने पैसे को आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते या फिर अपने बैंक में जमा नहीं करवा सकते। ये फ़ायदा हुआ है विमुद्रीकरण का। अब तीसरा सवाल जो था वो है कि क्या 2000 की नोट से करप्शन ख़त्म हो जाएगा? तो अब ये बात शायद सुनने में बहुत ख़राब लगेगा, पर इंडिया की जो हाल है शायद करप्शन ख़त्म करना किसी के बाप की हाथ में नहीं है, क्योंकि करप्शन तो भगवान श्री कृष्ण भी ख़त्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि दुर्योधन ने करप्शन किया था इसीलिए लक्षाग्रह भी बना था। अगर दुर्योधन करप्शन नहीं करते तो शायद लक्षाग्रह नहीं बनता। तो करप्शन ख़त्म करना तो शायद अब पॉसिबल नहीं है, पर उसे रोका जा सकता है, और उसे रोकने के लिए विमुद्रीकरण बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करप्शन को रोकने के लिए विमुद्रीकरण ज़रूरी है। लोग पूछते हैं कि 2000 के नोट से क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, 2000 के नोट से करप्शन नहीं ख़त्म होगा, पर इस विमुद्रीकरण के बाद हाँ अगर वापस करप्शन हुआ तो क्या होगा? देखिए, अब लोगों को ब्लैक मनी जमा करने में वक्त लगेगा, 2 साल 3 साल में तो जमा नहीं होगा, 15 साल 20 साल, और 20 साल के बाद शायद मोदी सरकार जैसे और एक सरकार आएगा जो कि इस करेंसी को बंद करेगा, 2000 की करेंसी को बंद कर देगा और एक नया मुद्रा चालू करेगा। और ऐसे अगर आप करोगे तो शायद इस देश से करप्शन कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस विमुद्रीकरण का फ़ायदा क्या हुआ। तो नोटबंदी से जो फ़ायदा हुआ है वो है कि आतंकवादियों का जो पेमेंट है वो ख़त्म हो गया है। आतंकवादी को कोई कैश से तो पेमेंट नहीं करता, आतंकवादियों को सब चेक से पेमेंट करते हैं। तो आतंकवादी को कोई चेक से तो पेमेंट नहीं करता, उनको सब कैश से पेमेंट करता है। तो वो कैश कहाँ से आते हैं? वो ब्लैक मनी से आते हैं, वो नकली नोटों से आते हैं। तो ये करेंसी ख़त्म होने से जो फ़ायदा हुआ है वो आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। आतंकवादियों को पेमेंट आतंकवादियों का पेमेंट ख़त्म हो चुका है। अब जो दूसरी बात वो है कि आतंकवाद तो ख़त्म, अब जो है कि कैसीनोस बंद हो चुके हैं। कैसीनोस में कैश से ट्रांजेक्ट होता था, लोग कैश से जुआ खेलते थे कैसीनोस में, सब कैसीनोस अब बंद हो चुके हैं। सिर्फ कैसीनोस ही नहीं, तस्करीस जो नकली नोटों की जो तस्करीस थे वो सारे के सारे 100% बंद हो चुके हैं। 100% तस्करीस आज बंद हो चुके हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, आज की डेट में जो दाऊद इब्राहिम का जो धंधा था ना, दाऊद इब्राहिम का धंधा, वो भी बंद हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रग माफिया ख़त्म हो गए हैं। ड्रग माफिया आप जानते हो ना, उनको कैश से पेमेंट होता था, वो कैश व्हाइट कैश नहीं है, वो ब्लैक मनी का जो कैश है वो है। और सिर्फ उतना ही नहीं, जो नकली नोटों का कैश है वो ड्रग माफिया के पास जाते थे। ड्रग माफिया जो है वो कैश से पेमेंट लेते थे, नकली नोटों से पेमेंट लेते थे, ब्लैक मनी से ड्रग माफिया को कैश दिया जाता था। ड्रग माफिया जो कैश लेते थे वो ड्रग डीलर को देते थे, ड्रग डीलर ड्रग देता है। अब कैश बंद होने से जो फ़ायदा हुआ है वो है कि ड्रग डीलर ख़त्म हो चुके हैं, ड्रग कैश नहीं है तो ड्रग नहीं आते, ड्रग फ्री इंडिया हो जाए। शायद नहीं हुआ, पर ड्रग डीलर ख़त्म हो गए। इससे जो है इंडिया की फ्यूचर में जो है प्रगति में, इंडिया की भविष्य को सुदृढ़ बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो आज इतना ही। मेरे स्पीच को और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।